नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जिस दवाई के बारे में बात करने वाले हैं उस दवाई का नाम है सैलिसाइक्लिकम एसिडम, या फिर हम इसको कॉमन लैंग्वेज में सैलिसाइक्लिक एसिड भी बोलते हैं। जैसा कि नेम से ही पता चलता है, ये मेडिसिन एक एसिड से प्रिपेयर होती है। हमारी होम्योपैथिक मेडिरिया मेडिका में ये अक्सर देखा गया है कि जो भी मेडिसिन एसिड से प्रिपेयर होती है उसमें बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं प्रोस्ट्रेशन मौजूद होती है। तो सिमिलरली इस मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा थकावट और प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलती है, स्पेशली इन्फ्लुएंजा के बाद। इन्फ्लुएंजा के बाद जब वो रिकवरी वाला पीरियड होता है, उस पीरियड में अगर बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलती है तब हम इस दवाई को कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्पेप्सिया के केसेस में, स्पेशली इन्फेंट्स में और छोटे बच्चों में, और रूमेटिज़म के केसेस में ये दवाइयाँ ज़्यादातर इंडिकेट होती है। मिनेरी डिजीज़ के केसेस में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, साथ ही साथ टिनिटस में भी इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम हेड सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को चक्कर आते हैं, पेशेंट की टेंडेंसी होती है कि वो लेफ़्ट साइड की तरफ गिर जाता है, साथ ही साथ पेशेंट के कान में रोरिंग सेंसेशन और रिंगिंग सेंसेशन देखने को मिलती है, और डेफनेस देखने को मिलती है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसमें बहरापन हो और उसके साथ साथ पेशेंट को बार बार फ्रीक्वेंटली चक्कर आने की समस्या हो, तो उसमें आप सैलिसाइक्लिक एसिड को कंसिडर कर सकते हैं। आइज़ के सिम्टम में इन्फ्लुएंजा के बाद अगर रेटिना के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है तो रेटिनाइटिस के केस में हम इस पेशेंट को दवाई सैलिसाइक्लिक एसिड दे सकते हैं, और रेटिनल हैमरेज के केस में भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। अगर हम स्टमक की बात करें तो डिस्पेप्सिया, पेशेंट को खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, और ग्रीनिश कलर का अगर स्टूल आता है उसमें एक और दवाई होती है मैककार्ब। तो अगर छोटे बच्चों को ग्रीनिश कलर का स्टूल आता है तो उस कंडीशन में भी हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रोल होता है हमारी बोन्स के ऊपर रूमेटिक कंप्लेंट्स में, उसमें अगर हम बात करें तो इसके नीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, वो टेंडर होता है, मोशन से या फिर टच करने से इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। आर्टिकुलर रूमेटिज्म के केसेस में भी हम इस दवाई को उपयोग में ला सकते हैं और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। शिफ्टिंग टाइप ऑफ शियाटिका हो या शियाटिका जो कि इवनिंग के वक्त या रात के वक्त एग्रेवेट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सैलिसाइक्लिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रूमेटिक कंप्लेंट्स बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती हैं और इसके रेगुलर इस्तेमाल से काफ़ी जल्दी पेशेंट रूमेटिक कंप्लेंट से ठीक हो जाता है। इंडिकेशन इसकी जो मैंने बताई हैं उनको ध्यान में रखकर ही इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर आप इस कंडीशन में इन दवाई को देते हैं तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। दोस्तों, अगर इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स का जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।